नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हाल ही में आपने अखबारों के जरिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के जरिए इस चीज को जाना कि उदयपुर की प्रतिष्ठित एक्मे कंपनी के डीएसए किस प्रकार फ्रॉड करते जा रहे हैं आम लोन लेने वाले पीड़ितों के साथ। कई लोग आवाज उठाते हैं, कई लोग दब जाते हैं, कई लोग फर्जी मुकदमों के शिकार भी होते हैं। एक ऐसा ही वाक्या मैं आज आपके सामने लाना जा रहा हूं। उदयपुर की एक और प्रतिष्ठित कंपनी जो लोन देने का काम करती है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज का लोन देती है, और जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वह लोन की सारी प्रक्रिया को पूर्ण करता है और कंपनियां यह प्रयास करती है कि उस लोन का इंश्योरेंस करवा दिया जाए ताकि पार्टी के साथ अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, पार्टी की डेथ हो जाती है, स्थायी अपंगता आ जाती है, बहुत सारी श्रेणियां हैं, तो उस कंडीशन में बैंक का लोन नहीं डूबे, कंपनी का लोन नहीं डूबे और जो लोन लेने वाला है उसकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे। उदाहरण के लिए मैं मेरी बात करूं कि मैंने मारुति विटारा ब्रीजा कार क्रय की, तो जब मैंने एचडीएफसी बैंक से उसका लोन कराया तो एचडीएफसी बैंक के जो लोन कराने वाले एजेंट थे डीएसए, उन्होंने मुझे सलाह दी कि सर आपने 5 ईयर का लोन लिया है, आप 5 साल के लोन का आप इंश्योरेंस करा दीजिए। इसका फायदा ये मिलेगा यदि आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस की जो आप सॉरी किस्तें जो भर रहे हैं, जो मंथली ईएमआई भर रहे हैं, वो ईएमआई भरना बंद हो जाएगी और आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी और आपको एनओसी मिल जाएगी। इसी तरह दूसरे लोन्स के अंदर भी होता है कि यदि आपने कोई इंश्योरेंस लिया है और इंश्योरेंस लेने के बाद अगर उस पार्टी की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति तो मर गया, उसके नॉमिनी को मासिक किस्तों का भुगतान नहीं करना है, सारा लोन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस लोनी कंपनी को अदा कर देगी और उस व्यक्ति के जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज डॉक्यूमेंट है वो उसको एनओसी के साथ मिल जाएंगे। हमारे उदयपुर की प्रतिष्ठित कंपनी जो अभी मुझे सुन रही है, जिनके अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने एक व्यक्ति का लोन किया। अब लोन करते हैं तो साथ में ये को बोरोअर रखते हैं। अब उनकी मंशा क्या जाने कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे मुख्य जो लोनी है उसके नाम पे बीमा नहीं किया, बीमा किया उसके को बोरोअर के नाम पे और पार्टी की डेथ हो गई। अब पार्टी की जब डेथ हो गई तो उनको नोटिस जाने लगे, भई आपके पेमेंट बाकी है, आप अपना पेमेंट जमा कराओ। रिकवरी एजेंट दोष पट्टी करने लगे, उनको डराने लगे, तो उस व्यक्ति ने वापस जाकर कंपनी पे संपर्क किया तो मालूम पड़ा कि भाई लोन का बीमा जो है वो तो मुख्य पार्टी से के नाम पर किया ही नहीं गया। अगर उनको लोन को बोरोअर के नाम पे करना था तो वह पावर ऑफ अटॉर्नी देकर लोन को बोरोअर के नाम पे करके उसको मुख्य पार्टी बना सकते थे। यानी कि उस एनबीएफसी कंपनी की लापरवाही के कारण कुल मिलाकर जो व्यक्ति मृत हुआ, मर गया, उसके नॉमिनी को, उसके परिवारजन को फायदा नहीं हुआ और स्थिति यह हुई कि उस पार्टी को हैरान परेशान दोष पट्टी करके उस पार्टी से राशि की वसूली की गई। हाल ही में ये शिकायत हमारे पास आई है। मैं सभी, मेरे वीडियो का मकसद होता है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो हमारे वीडियो देखता है वह आगाह हो जाए, वह सावधान हो जाए, इस तरह के फ्रॉड का शिकार न हो। और यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो आपके लिए कानून न्याय व्यवस्था के दरवाजे खुले, आप चुप मत बैठो। ये बात जरूर है कि जब कंपनियां बड़ी होती है, लोग बड़े होते हैं, तो राजनीतिक दखल भी होता है, उन कंपनियों का प्रभाव भी होता है, पैसा भी होता है, तो आप इस चीज से डरते हो कि आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, जहां दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है वहां इंसाफ व्यक्ति के पक्ष में ही होगा। तो ऐसी एनबीएफसी कंपनी जिसने मुख्य ऋणी के नाम पे लोन नहीं दिया, लोन किया लेकिन इंश्योरेंस को बोरोअर के नाम पे किया, यह कुल मिला के जो गलती है वो गलती उस एनबीएफसी कंपनी की है और उसने जो भी राशि ली है उसको पुनः लौटानी पड़ेगी, क्योंकि उसने भारतीय रिजर्व बैंक
के गाइडलाइन, एनबीएफसी की गाइडलाइन और ऋण प्रदाय स्कीम की जो नियम नियमावली है उसका खुले रूप से उल्लंघन किया है। यदि ऐसी स्थिति में उस एनबीएफसी कंपनी को लोन करना था तो उसे चाहिए कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी उस बच्चे के नाम पे कराता, बच्चे के नाम पे लोन करते और बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको केवल अपना काम करना था, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था। एनबीएफसी कंपनी के उदयपुर में घोटाले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जहां आम पीड़ितों के साथ, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन उन्हीं का हो पाता है जिनकी सिविल अच्छी हो, जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी हो, जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे हो, लेकिन आम व्यक्ति आज फंस रहा है एनबीएफसी कंपनी के छलावे में। और वहां 20% से लेकर 24% 28% तक की फ्लैट इंटरेस्ट रेट लेकर आज ये स्थितियां हो जाती है कि अगर 10 साल का टेनर है और 5 साल बाद भी व्यक्ति अगर अपना लोन स्टेटमेंट निकाल के देखे तो ये मालूम पड़ता है उसका लोन पूरा का पूरा बाकी है। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने लोन लिया है अपने लोन की सर्टिफाइड कॉपी, ऋण आवेदन पत्र, ऋण सैंक्शन लेटर, एफआई रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, लीगल रिपोर्ट और लोन से संबंधित जो जो दस्तावेज, जो जो सिक्योरिटी स्टाम्प पे खाली साइन किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट जो स्टाम्प दिए, उन सब की फोटो प्रति अपने पास रखें और विधिक अधिकार के रूप में उन कंपनियों से प्राप्त करें। और वो नहीं प्रदान करते हैं तो उसके लिए आपके पास विकल्प खुले हैं। ऐसी प्रत्येक चीज के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद होगी, हम बोलेंगे, क्योंकि जहां पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं होगा और जहां आम गरीबों के साथ छलावा होगा, वहां एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आवाज बुलंद होगी। मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे इस YouTube वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जनहित में इन वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करें, ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े और भी सामने नहीं हो। एंड उदयपुर की एनबीएफसी कंपनियों के संदर्भ में हम हमारा मुद्दा और रखेंगे और उस कंपनी का नाम डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने साझा करेंगे कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य कारित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यवहार।